आपके ख्याल, चलो अब जो है मामला सीरियस हो गया यहाँ पे, आपके ख्याल से आसिफा को लेकर आपको क्या लगता है कि हमें इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कुछ करेगी नहीं। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ की जो जड़ है वो सरकार ही है। अगर आप किसी अरब कंट्री में जाते हो या किसी ऐसी कंट्री में जाते हो, अगर यहाँ वहाँ पर ऐसी कुछ घटना हो जाती है ना, तो उनको पता है कि पनिशमेंट क्या चीज़ होती है। इंडिया में पनिशमेंट है ही नहीं। पनिशमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कानून नहीं बनाए गए हैं। कानून क्यों नहीं बनाए गए हैं? क्योंकि सरकार ने कभी चाहा नहीं। सरकार ने कभी क्यों नहीं चाहा? क्योंकि सरकार को अपने वोट की पड़ी है। सरकार सिर्फ जाति पाति इनमें लगी रहती है, कानून बनाती नहीं है। तू इस जाति का है, चल तेरे को ये कानून। तू इस जाति का है, तेरे को ये कानून, तेरे को ये फ्रूट। क्योंकि वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जाओगे तो उसकी जड़ सरकार है। और सरकार क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसे हैं। हम लोगों के पास में टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए। हमारे पास जबान है लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे पास में शरीर है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको इतना ही लगता है कि ये हो गया, तो फेसबुक पे शेयर मत करो, ट्विटर पे मत करो, यूट्यूब पे वीडियो मत बनाओ। घर से निकलो और जाओ, किसी का सिर फोड़ के आओ, जाके सरकारी आदमी का, तब पता लगे कि दर्द क्या होता है। फेसबुक पे लगे वैसे आप शेयर करने में, ये कर दो वो कर दो। लोग मुझे बोल रहे हैं यूट्यूब में क्यों नहीं बोल रहे। अरे बोल के क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लेगा? नरेंद्र मोदी कुछ उखाड़ लेगा या सोनिया गांधी कुछ उखाड़ लेगी? इतने साल हो गए, किसने क्या उखाड़ लिया? कितने दिनों तक और कितनी दूर तक चली थी निर्भया की बात? क्या हुआ? कितने सालों के बाद उसको इंसाफ मिला? और उस इंसाफ से क्या वो उसके बाद हुआ क्या? तो निर्भया का फंड बनाया था इन्होंने, सरकार ने क्या उखाड़ लिया उसमें? कोई सिक्योरिटी दी? कोई सेफ्टी दी? कुछ नहीं दिया। वो सिर्फ अपने वोट बैंक, वोट 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 वोट। अगला साल शुरू होगा, हो जाएंगे सब शुरू वोट 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 करने। अगर इस देश में रहना है तो खुद को संभाल के रखो, खुद को जागरूक करके रखो, अपने बच्चों को वो परवरिश दो कि वो हर मुसीबत का सामना कर सकें। किसी से उम्मीद मत रखो कि तुम वो करेगा या तुम वो करोगे। कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, ना मैं कुछ करूंगा ना आप करोगे। आपको खुद को करना है अपने लिए जो करना है। मुझे जो करना है मुझे अपने लिए करना है, मेरी फैमिली के लिए करना है। इस दुनिया में सब मतलब ही है, सब के सब, ए टू जेड। अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर मत करो और ना ही ट्रेंडिंग वाले वीडियो बनाओ। इन वीडियो से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े 30 मार खान लोगों ने वीडियो बनाई है, उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर से लग गए अपनी नौटंकी के अंदर। क्या किया उन्होंने? चाहते थे आपके बाबा बताता हूँ कि कौन से कपड़े पहनूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, लेकिन क्या अभी हम ये सोचते हैं कि कौन से कर्म करूं जिससे जो है भगवान को मैं अच्छा लगूं? ये कोई नहीं सोचता। सोचकर देखो, अगर आपके कर्म ही अच्छे हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय। लोग बोलते हैं कि आप भारत माता की जय क्यों बोलते हो? भारत माँ है हमारी, सरकार की जय नहीं बोलते हम, किसी सरकार की वो नहीं बोलते हम, भारत माँ की जय बोलते हैं। लेकिन हमको हमारी माँ की, बेटियों की, बहनों की कदर ही नहीं है।